शुगर की लत बहुत ही कॉमन है, हर दूसरा व्यक्ति तो शुगर के एडिक्शन से आज प्रभावित है। ऐसा बोला जाता है, मजाक मजाक में भी मैं कभी बोलता हूँ कि चरस गांजा की लत एक बार चल जाएंगी या सिगरेट शराब की लत एक बार चल जाएंगी, शुगर की नहीं होना लत, और वो सबको है। हम तो कोई भी फंक्शन करते हैं, कोई भी इवेंट करते हैं, लोगों को खाना खाने बुलाते हैं, तो लोगों का ख्याल रहता है कि भाई मीठा क्या है, मिठाई क्या है। बड़ा जब शादी होती है, रिसेप्शन होते हैं, तो वो सब इसमें एक मीठा स्टॉल जो है ना वो अलग ही रहता है, जिसमें 3-4 अलग प्रकार की मिठाइयाँ रहती है और लोग पहले वहीं धूम कर लेते हैं कि मीठा खाओ, और खाने में किसको बुलाया हमने मीठा नहीं दिया, तो लोग बोलते हैं मीठा नहीं है। इतना लोगों को एडिक्शन है, चाय बहुत ज़्यादा मीठी पीते हैं लोग, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर जाती है, और मीठे के सिवाय हमारा कुछ भी कार्यक्रम बनता नहीं। बच्चे भी रोना चालू किया, हम उनको मिठाई देते हैं, चॉकलेट देते हैं, खाओ बोलते हैं और वो चुप हो जाते हैं। तो फिर शुगर खाना क्यों नहीं, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है शुगर का, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 18 अलग अलग प्रॉब्लम्स से हम ग्रस्त हो जाते हैं यदि हम शुगर खाते हैं तो, शुगर का एडिक्शन है तो। वो कौन से है वो देखो, और फिर बाद में हम देखेंगे कि हम 21 दिन तक ये चैलेंज का स्वीकार करेंगे कि भाई 21 दिन तक आज से हमने शुगर नहीं खाना। तो आप जब देखेंगे ये वीडियो, तब से आपने 21 दिन का एक चैलेंज लेना है और शुगर खाना बंद करने का है। तो शक्कर मतलब चीनी के नुकसान क्या है, क्या प्रॉब्लम है चीनी खाने में। नंबर एक, चीनी से वजन बहुत बढ़ जाता है। क्या होता है कि चीनी जितनी हम ज़्यादा खाते, जितना शुगर, तो उससे कैलोरीज तो मिल जाती है, मगर ज़्यादा जितनी हम चीनी खाते तो उसका कन्वर्शन जितनी नहीं होना वो सब फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और फैट पूरा हम पेट में जमा हो जाएगा, पीछे बटक्स के ऊपर जमा हो जाएगा, और वो बहुत ही काफ़ी आदमी हेल्दी दिखता है, बहुत ही फैटी दिखता है, बहुत वजन बढ़ता है। चीनी खाना हम बंद करेंगे तो तुरंत आपका वजन कम हो जाएगा। नंबर दो, चीनी जब खाते मतलब शुगर जब खाते हम, और शुगर मतलब सिर्फ चीनी नहीं, हमारे खाने में भी बहुत ज़्यादा शुगर है। जैसे हम राइस भी खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, व्हीट खाते हैं मतलब रोटी खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शुगर, मगर शुगर में सबसे ज़्यादा है। हाँ, लोग बोलते हैं गुड़, तो गुड़ खाना नहीं क्या, गुड़ में भी उतनी शुगर है जितनी हम वाइट शुगर खाते हैं ना, उससे भी थोड़ा सा कम गुड़ में भी शुगर है, मतलब गुड़ में भी कार्बोहाइड्रेट्स है। तो वो खाने से, चीनी खाने से हमको सुस्ती आती है, भारीपन। देखो ना, आप जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं, मीठा खाना खा लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है, बहुत ज़्यादा भारीपन होता है, और हम एनर्जेटिक नहीं फील करते, फिर लगता है कि सो जाओ। अभी दोपहर का खाना खाने के बाद में लोग सोने की जो आदत है, देखो आपने शुगर बंद कर डालो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बंद करो, सिर्फ प्रोटीन खाओ, देखो आपको नींद नहीं आएंगी। नंबर तीन, चमड़ी के ऊपर आपकी चमक आ जाएंगी यदि आप शुगर खाना बंद करेंगे, और आप यंग दिखना चालू हो जाएंगे, चेहरे की झुर्रियाँ निकल जाएंगी, और आपका आपकी उम्र कम से कम 10-15 साल से कम दिखेंगी। इतना फ़ायदा आपका शुगर का होगा, क्योंकि जब ज़्यादा चीनी खाते उसका असर, बुरा असर हमारी चमड़ी के ऊपर होता है, स्किन थिक हो जाती है और झुर्रियाँ पड़ जाती है, और आप बूढ़े दिखते हैं। नंबर चार, आपको भूख कम लगती है यदि आप चीनी बंद करेंगे तो वो फ़ायदा है। चीनी आप बंद करेंगे तो भूख ही कम लगेगी, चीनी ज़्यादा खाते हैं तो और ज़्यादा भूख लगती है, और ज़्यादा खाने की इच्छा होती है। तो आपको यदि चीनी बंद करेंगे तो आपको भूख आपकी कम हो जाएगी, और भूख नेचुरली कम होगी तो आपका वजन भी कम हो जाएगा। नंबर पाँच, आपको डायबिटीज़ का खतरा बिल्कुल ही नहीं रहेगा यदि आप चीनी खाना बंद करते। डायबिटीज़ मेलाइटस मतलब मधुमेह या शुगर की बीमारी जो है, क्या होता है कि हम जब शुगर खाते हैं तो इंसुलिन जो हमारे बॉडी में पैदा होता है, जैसे ही शुगर हमने खा लिया, खाना खा लिया, कि एकदम तुरंत वो सैनिक आ जाते हैं इंसुलिन के, और वो इंसुलिन के सैनिक आके वो जो शुगर खाई है, कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, उसको तोड़ते हैं, उसका पचन करते हैं। अब यदि आप बार बार खाते रहते हो, 3-4 बार 5 बार, तो हर बार इंसुलिन को आना पड़ेगा तो उसको तोड़ने के लिए। अच्छा, इंसुलिन की भी कोई मर्यादा होती है ना, इंसुलिन उसको तोड़ेगा तो शुगर को, बहुत ज़्यादा खाएंगे तो इंसुलिन एक तो मात्रा कम उसकी कम पड़ जाएंगी, या उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाएगा, जिससे कि हम जो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं या शुगर खा रहे हैं उसको तोड़ना बंद हो जाएगा, उसकी लेवल बढ़ जाएगी, और फिर डायबिटीज़ हो जाएगा। और डायबिटीज़ को आपको मालूम है कि डायबिटीज़ शरीर के हर हिस्से पर, हर एरिया में बुरा असर करता है। तो ये असर है डायबिटीज़ का, और यदि चीनी खाना बंद करेंगे आप तो डेफिनेटली आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। अब जब मैं यहाँ बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ चीनी मतलब वाइट शुगर नहीं है या गुड़ नहीं है, चीनी या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स भी है जिसमें शुगर है वो भी, मतलब जैसे अभी राइस भी आप ज़्यादा खाते हैं, तो आप गेहूं की रोटियां ज़्यादा खाते हैं तो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है, तो जो जो आप बेकरी के प्रोडक्ट खाते हैं तो उसमें ज़्यादा फैट और कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, तो वो सब बातें। जब मैं चीनी बोल रहा हूँ इसका मतलब सिर्फ शुगर नहीं है, मतलब जो शुगर आती है मीठी वो नहीं बोल रहा मैं, सभी जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स ही आपको कम खाना है, या चीनी भी बंद किए तो भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर छः, जो फ़ायदा उसका होगा कि खून की नलियां जो हमारी है, ब्लड वेसल्स, उसका अंदर का जो कवर है,
आवरण जो है उसको बोलते हैं ना, तो वो जो कवर है अंदर का, जो नलिया उसका अंदर का जो अस्तर है, वो ज़्यादा चीनी खाने से मोटा होता है, और वो यदि हो गया मोटा तो हमको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, तो आपको ब्लड की बीमारी नहीं होगी, या हुई है तो बीपी कम हो जाएगा। नंबर 7, आपके दिमाग को स्थिरता आएंगे। स्थिरता क्यों बोल रहा हूँ कि जैसा जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, चीनी खाते हैं, शुगर खाते हैं, तो डोपामिन की लेवल जो है ना वो तुरंत बढ़ जाती है, अच्छा लगता है, एकदम वाह बहुत बढ़िया लगता है। फिर हम खाते हैं, फिर डोपामिन बढ़ जाता है, फिर क्या होता है कि नहीं खाएं तो डाउन हो जाता है। तो एक बॉडी का ऐसा बैलेंस जो है वो पूरा टूट के, कभी अच्छा लगना कभी बुरा लगना, नहीं खाया तो डाउन, खाया तो अप, अभी आप चीनी खाएंगे नहीं तो अप डाउन होने का कारण नहीं, आप स्थिर हो जाएंगे, दिमाग स्थिर रहेगा। तो दिमाग की स्थिरता आएगी, और वो दिमाग की स्थिरता यदि रही तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा काम में होगा। नंबर 8, आपके दिल का स्वास्थ्य, जो हार्ट है उसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा सुधरेगा, क्योंकि ज़्यादा शुगर यदि आप खाते हैं तो उसका डिपोजिशन भी हार्ट में होता है, एक तो खून की नलियाँ जो है उसके ऊपर और हार्ट में भी डिपॉजिट होता है, और जिससे भी हार्ट जो है अपना दिल उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। नंबर 9, पाचन संस्था के ऊपर बुरा असर होता है, जैसे एसिडिटी होना ज़्यादा शुगर खाते हैं तो, गैसेस ज़्यादा होना और पाचन नहीं होना, तो पाचन संस्था के ऊपर उसका बुरा असर होता है, तो आपकी पाचन संस्था ठीक काम करना चालू करेंगे यदि आप चीनी खाना बंद करते हैं तो। नंबर 10, ज़्यादा शुगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने से शरीर के अंदर जो मांसपेशियाँ हैं, सेल्स जो है उसके ऊपर सूजन आती है, पूरे बॉडी अंदर से इन्फ्लेम्ड है ऐसा समझ के चलो, सूजन है। और यदि आप शक्कर खाना बंद करेंगे तो सूजन कम हो जाएंगी, और वो कम हो जाएंगी सूजन तो नेचुरली जोड़ों में दर्द, बॉडी में दर्द, हेडेक, आगे दर्द, पीछे दर्द, सब दर्द ही खत्म हो जाएगी, आपको बहुत ही हल्का लगेगा और सब दर्द खत्म, प्रॉब्लम ही नहीं। नंबर 11, आपकी एसिडिटी जो है वो कम हो जाएगी, और एसिडिटी यदि कम हो जाती है तो नेचुरली आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे कि फुलनेस आता है, पेट फूल जाना, पानी ऊपर ऊपर आना, तो ये शुगर खाने से ज़्यादा होता है, तो ये आपकी बंद हो जाएंगी। नंबर 12, आपके हार्मोन्स जो है उसका बैलेंस रहेगा, और हार्मोन की जब बैलेंस की बात करता हूँ तो नेचुरली सभी हार्मोन्स यदि बैलेंस रहते हैं, मतलब ऊपर नीचे उठक पटक नहीं हो रही है, तो एक बैलेंस रहता है तो शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। नंबर 13, आपको इन्फेक्शंस जो है, इन्फेक्शंस मतलब कोई भी बीमारी आती है तो पहले बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसमें सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार जल्दी पकड़ लेते हैं, थोड़ा भी ठंडा खा लिया तो इन्फेक्शन हो गया, थोड़ी गर्मी हो गई तो, थोड़ी ठंडी हो गई तो, मतलब अपनी प्रतिकार शक्ति जो है वो कम है, कम हो जाती है, इन्फेक्शन जल्दी, आप शुगर नहीं खाएंगे तो इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। नंबर 14, आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी, शुगर खाते हैं तो मैं बता ना, जैसे सुस्ती आती है मगर नींद नहीं आती, या डिस्टर्ब नींद हो जाती है, तो आपकी नींद बहुत अच्छी रहेगी और कम से कम सपनों की रहेंगी, डीप स्लीप रहेंगी। नंबर 15, आपकी उम्र जो है वो लंबी हो सकती है, ऐसा पाया गया है कि यदि आप शुगर कम खाते हैं, और जो कम या बंद करने वाले लोग हैं उनकी उम्र जो है वो 100 साल, 105 साल, 110 साल तक आराम से उनकी उम्र बढ़ गई है, और वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे, तो आपकी ये स्टडीज़ में पाया गया है आपकी उम्र लंबी हो जाती है। नंबर 16, दांत के प्रॉब्लम, डेंटल केरीज, हम बोलते हैं ना बच्चों को, अरे ज़्यादा आप मिठाई मत खा, ज़्यादा चॉकलेट मत खा, तेरे दांत खराब हो जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि वो शुगर जो है वो दांत के कैविटीज़ में वहाँ बैठ जाती है और ख़राब कर देती है दांत को। नंबर 17, आपकी जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम जो है वो बढ़ जाएगी जब शुगर कम खाते हैं तो उससे क्या होगा, फिर यदि आपकी प्रतिकार शक्ति या विरोधी शक्ति यदि बढ़ जाती है कोई भी बीमारी के लिए, तो नेचुरली आप हेल्दी रहेंगे और बीमारियाँ कम हो जाएंगी। नंबर 18, आपकी सेक्स लाइफ अच्छी हो जाएगी, क्या होता है कि शुगर कम खाने वाले जो लोग हैं उनको टेस्टोस्टेरोन लेवल उनकी अच्छी रहती है, उनके जो शुक्राणु है स्पर्म्स उसकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, और हम अक्सर बोलते हैं कि कम खाओ शुगर, शुगर कम खाएंगे वजन भी कम होगा, फिट भी रहेंगे, सब हो जाएंगे और आपकी सेक्स लाइफ अच्छी हो सकती है। तो ये 18 फायदे हैं चीनी नहीं खाने के, शुगर नहीं खाने के। तो हम क्या करेंगे आज से, जैसे आप वीडियो देखते हैं आज से ये प्रण करो कि भाई मैं आज से 21 दिन तक मीठा नहीं खाऊंगा, बाकी चपाती में, राइस में जो भी शुगर जाती जाने दो, मगर मीठा ही खाना, शक्कर डाल के चाय पीना, या मतलब कोई भी बाहर से मतलब शुगर डालना कोई भी, तो बाहर से एडिशनल शुगर नहीं करने का है, फिर चाय में रहो, कॉफ़ी में रहो, दूध में रहो या मिठाई में रहो, तो आप बंद करो 21 दिन और देखो आपको कितना फ़र्क पड़ता है। ऐसा आपको लगा कि 21 दिन के बाद यार बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो नेचुरली आप आगे भी कर सकते हैं या बाद में खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कम से कम आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और मैं एकदम तंदुरुस्त, ज़बरदस्त, फिट हो गया हूँ। आपने ये करने के बाद में आप कॉमेंट्स में डाल सकते हैं कि आपने किया और आपको क्या फ़ायदा होगा। ये वीडियो आप लोगों को शेयर करो,
आज लोगों में मिठाई खाने का मतलब एक एपिडेमिक जैसा आया हुआ है, मिठाई खिलाना, मिठाई खाना, और यदि आप शुगर बंद कर देते हैं तो जो शुगर है ये एडिक्शन है, शुगर की लत है, वो लत यदि कम हो जाती है तो डेफिनेटली हमारी आयु बढ़ेगी और फिटनेस अच्छा होगा, उत्पादन क्षमता अच्छी हो जाएगी और हमारे देश को हम बड़े लेवल तक ऊंचाई पर लेके जा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।